पसंद आने पे लाइक करें, जहाँ पे उंगली दिखाई जा रही है जो दिख रहा है, जो उंगली द्वारा दिखाया जा रहा है वहाँ पे आप सभी सब्सक्राइब कर लें, घंटा को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्द ही पहुँच जाए आसानी से। घंटा दबाने के बाद घंटा इस तरह कुछ दिखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश झारखंड से। आज देख रहे हैं कि ये डैम है और ये डैम का नाम है टेनुघाट डैम, जो कि झारखंड के बोकारो ज़िला में है और ये नियरेस्ट पेटरवार और ये नियरेस्ट गोमिया में है। और ये डैम स्थित है दामोदर नदी में। इस डैम का बनाने का रीज़न है थर्मल पावर प्लांट, जो कि लालपनिया में है। और ये डैम इस डैम के द्वारा बोकारो स्टील सिटी प्लांट को पानी दी जाती है और वही पानी पूरे बोकारो स्टील सिटी उपयोग करते हैं और ये पानी प्लांट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ के आसपास आप नज़ारा देखें। आप सभी से गुजारिश है कि अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो कमेंट करके बताएं कि मैं ठीक से वीडियो बना रहा हूँ या नहीं। ये मेरे ख़ास मित्र हैं जो कि मोबाइल छेड़ रहे हैं। और ये देखिए पत्थरों के नज़ारा। आप आएं, पिकनिक मनाएं, फोटोग्राफी लाएं और भी बहुत कुछ आएं और खुद देख लें। देखें पत्थर, देखिए यहाँ की सुंदरता। मैं लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं आके देखते हैं यहाँ के नज़ारा। इधर पिकनिक मनाया जाता है। सोचा था मैं बाढ़ आएगी और 10 गेट खुली रहेगी तभी मैं YouTube के लिए वीडियो बनाऊँ और आप सब के लिए, लेकिन इस बार बाढ़ आए नहीं और पूरी 10 गेट खुली नहीं तो मैं नहीं बना पाया। अगर प्यार रहा आपका तो अगले साल ज़रूर बनाऊँगा। यहाँ भाई लोग नहाया करते हैं कूद कूद के, मुझे तो बहुत डर लग रहा था उस भाई भाई। शायद अच्छा हुआ बारिश के दिनों में ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि उस टाइम शायद आप सभी के लिए इतना अच्छा ब्लॉग नहीं बना सकता था, क्योंकि बाढ़ होती तो इतना अच्छा ब्लॉग कैसे बनाता। फ्रेंड्स, ये डैम के ऊपरी छोर से लिया गया कुछ सीन इस तरह है। और मैं आप सभी के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये बोकारो ज़िला का सबसे बड़ा डैम है, जो कि दामोदर नदी में स्थित है। और एक डैम है बोकारो ज़िला में जो कि कोनार डैम है नाम उनका, मैं उनका भी वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। और इसी तरह मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। बस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड्स आप सभी।
प्यार देते रहें। इस डैम के 200-300 मीटर की दूरी पे बहुत ही कुछ है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन, कोर्ट, मार्केट, अगर आप पिकनिक मनाने आते हो तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मार्केट है। शिक्षा में क्षेत्र में जाए तो DAV है, बिना भावे का एक कॉलेज है जो कि टेनुघाट नाम है, और एक सेंट्रल है नवोदय विद्यालय। इससे अच्छी जगह मिलेगी क्या? आप देखिए हरा भरा। बस साफ रहें और साफ रहने दें हमारे संसार को। आप सभी से विनती है कि सेल्फी के चक्कर में अपना जान ना गवाए बैठें, क्योंकि ये ख़तरनाक जगह है, आप सभी भी जानते हैं। और मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि ये आने वाले दिनों में यहाँ पे पार्क बनने वाला है। बिल तो पास हो गया है, देखिए इसी आसपास में पार्क बनेगा। देखें और फ्रेंड्स, फिर से मैं बता दूं कि मैं इसी तरह ब्लॉग बनाऊंगा, मैं अपने लिए भी आप सभी के लिए भी मैं जानकारी इधर उधर का देता रहूंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि राइट साइड से लिखा हुआ है रेड कलर में, और ये नीचे जाने का रास्ता है सीढ़ी में। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस प्यार बनाए रहें फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं आगे।